Good afternoon, everyone. This is Aluzma, and I welcome you all to Achievers ICS. I hope you guys are doing good. So, मैंने जैसे आपसे promise किया था कि मैं आपके साथ current affairs deal करने वाली हूँ, तो let's get started without wasting our time. ये हमारा logo है Achievers ICS का. ADO की नई batch हमने start की है. ये मेरा करंट अफेयर का क्लास है आप लोगों के लिए और हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं कुछ क्वेश्चन सीरीज के साथ. हम कुछ आर्टिकल भी डील करेंगे, तो सबसे पहले हम एमसीक्यू थोड़ा देख लेते हैं. मूविंग ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर वन. सर्बिया इज अ कंट्री लोकेटेड इन द वेस्ट सेंट्रल बल्कान. इट शेयर्स बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. पहले तो बल्कान ये है, दे आर साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, मैप को देख लीजिए. तो आपको लोकेट करते बन जाएगा कि बल्गारिया, क्रोशिया, ग्रीस, हंगरी, रोमानिया, इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो बॉर्डर शेयर करती है सर्बिया के साथ. सर्बिया की कैपिटल क्या आप बता सकते हैं? इट्स बेलग्रेड. देखिए, हमारे ऑप्शन में हंगरी था, तो यस, इट इज शेयरिंग बाउंड्री विथ हंगरी. नेक्स्ट क्रोशिया, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट. रोमानिया एंड ग्रीस, तो ये चार ऑप्शन हमें मिल गए हैं. मूविंग ऑन अपने ऑप्शंस की तरफ, तो देखिए बल्गारिया है, क्रोशिया यस, ग्रीस यस, हंगरी सॉरी ग्रीस नहीं है, हंगरी एंड रोमानिया. तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. थोड़ा पेन का इशू है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं. देखिए, जो सर्बिया गवर्नमेंट है, इसने रिवोक्ड किया है द लाइसेंसेस फॉर लिथियम माइनिंग टू एन एंग्लो ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग द प्रोटेस्ट नियरली टू मंथ्स के लिए. सर्बिया एक कंट्री है इन द वेस्टर्न सेंट्रल बल्कान. फॉर द मोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी इट वॉज अ पार्ट ऑफ यूगोस्लेविया. अर्लियर ये यूगोस्लेविया का पार्ट था, और अभी रिसेंटली 2019 के करीब हमने नॉर्थ मैसेडोनिया को भी इसमें ऐड किया है. द कैपिटल ऑफ सर्बिया इज बेलग्रेड. जैसे मैंने आपको बताया, इसका प्राइम नेम बियोग्रेड है. ये कॉस्मोपोलिटियन सिटी है जो कि कॉन्फ्लुएंस है दो रिवर्स के बीच में, दैट इज डैन्यूब एंड सावा. इसके बॉर्डर्स ये शेयर करता है बॉस्निया हर्जेगोविना, बल्गारिया, क्रोशिया, हंगरी, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड मोंटेनेग्रो. यस, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विद द रेफरेंस टू रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आरआरटीएस इज अ न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड कैपेसिटी कंफर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टिंग द रीजनल नोड्स इन एनसीआर. RRTS is different from conventional railway as it will provide reliable, high frequency point-to-point regional travel at high speed along with dedicated pathway. आप ये समझिए कि ये मेट्रो से भी ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, क्योंकि इसमें आपको पहली बात ये देखिए कि ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है, और ये पॉइंट टू पॉइंट आपको, मतलब जो आपको डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ पे ये पहुँचा देगी. रिसेंटली यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डील किया है हमने. रिसेंटली द ऑफिशियल्स ऑफ द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एस्टिमेट किए हैं कि दैट इसके आने से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रोड से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, एज इट विल टेक ऑफ अराउंड 1.5 लाख ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स. ओके गाइज, नेक्स्ट ये, हाँ इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द नेशनल कैपिटल विच विल रन एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर. देखिए 100 किलोमीटर्स पर आवर ये चलेगा, एंड द कम्यूटर्स विल रीच मीरठ इन 50 to 60 मिनट. ज़्यादा से 50 से 60 मिनट के अंदर ये आपको पहुँचा देगा, और स्पीड आप इसकी देख सकते हैं 100 किलोमीटर्स पर आवर. तो येस, इट इज़ न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कम्फर्टेबल कम्यूटर सर्विस जो कनेक्ट करता है नोड्स इन NCR. RRTS जो डिफरेंट है अदर कन्वेंशनल रेलवे की तरफ से, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है हमको रिलायबल हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल्स अलॉन्ग विद डेडिकेटेड पाथवे. और इसमें सबसे अच्छा ये कि ये डिस्टेंस जो कवर करता है, इट इज़ विद फ्यूअर स्टॉप्स एट हायर स्पीड. तो इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या है RRTS की, आप लिख सकते हैं यहाँ पे. देखिए, इट कवर्स डिस्टेंस विद फ्यूअर स्टॉप्स एट हायर स्पीड. ओके गाइज, नेक्स्ट अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स आर सिचुएटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड.
तो आपको ये बताना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में कौन कौन से नेशनल पार्क्स सिचुएटेड हैं। तो ऑप्शंस देख लीजिए, सबसे पहले है कैम्बल नेशनल पार्क, नेक्स्ट गलाथिया नेशनल पार्क, उसके बाद रानी झांसी नेशनल पार्क जो कि एक मराइन नेशनल पार्क है। आपको इसमें से सिलेक्ट करने हैं ऑप्शंस। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कितने ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हैं। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, इट इज़ अ आर्किपेलगो, इट्स अ आर्किपेलगो। आर्किपेलगो का मतलब होता है एक द्वीप समूह। क्या होता है इसका मतलब? द्वीप समूह। इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड विच इज सराउंडेड विद वाटर। और सबसे बड़ा जो आर्किपेलगो है वो आपका है मलाय, जो कि इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन दोनों के मिड में पड़ता है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि देर आर अराउंड 9 नेशनल पार्क्स। तो अब ये 9 नेशनल पार्क्स में हम ये देखते हैं कि जो 3 ऑप्शंस हमारे पास थे वो इसमें है कि नहीं। सबसे पहले है कैम्बल नेशनल पार्क, नेशन हो गया, नेशनल कर दीजिएगा इसे, नेशनल पार्क, गलाथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी, तो ये दो ऑप्शन तो हमको मिल गए, ये है, यस। देन महात्मा गांधी मराई नेशनल पार्क, मिडल बटन, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन आइलैंड एंड देन रानी झांसी मराई नेशनल पार्क, तो यस ये सब है हमारे पास। और लास्ट है सैडल पीक नेशनल पार्क। तो अब मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर आंसर, ये देखिए, तो ऑप्शन 1, 2 and 3 ऑल 3 आर प्रेजेंट, सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कौन कौन से कथन सही हैं, आप ये बताइए। तो सबसे पहला कथन ये कह रहा है द नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसको हम NLEP शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, ये स्पॉन्सर्ड है बाई हेल्थ स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन कह रहा है द NLEP इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट द NLEP एम्स एट एलिमिनेटिंग लेप्रेसी इन ईच ईयर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इन ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बाई 2030। तो सही ऑप्शन क्या है? क्या इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष स्पॉन्सर कर रहा है? नेक्स्ट, क्या इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है? थर्ड, क्या ये 2030 तक एलिमिनेट कर पाएगा? क्या ये एलिमिनेट करने वाला है? तो ये तीनों ऑप्शंस को हम देखते हैं, डील करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि यस, जो ये नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। सेंटर्स ने इसका पूरा दायित्व लिया है, वही इसे फाइनेंस कर रहा है। लेकिन ये जो स्कीम है ये आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। उसके बाद देखिए, हमें इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है एज अ पार्टनर। आप ये देखिए कि ग्लोबलाइजेशन का कितना बड़ा फ़ायदा है हमें, कि हमें मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा एडवाइस मिलती है, एक्सपर्टीज एडवाइस मिलती है, हमें पार्टनर्स मिलते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनली हमें हेल्प मिल रही है बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एंटी लेप्रेसी एसोसिएशन एंड फ्यू अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो अदर NGOs हैं ये भी हमें हेल्प कर रहे हैं। और देखिए, हमारे ऑप्शंस करेक्ट थे, पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि आयुष नहीं है, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये स्पॉन्सर करता है पहला। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड देखिए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे कर रहा है, सेकेंड करेक्ट। और यहाँ पे देखिए, द NLEP aims at eliminating leprosy in each year in each of the districts by 2030. तो ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट है, फर्स्ट को छोड़ के बाकी दो सही हैं। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ हमारा 21-22 का, सॉरी द फाइनेंस द इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ हमारा हुआ है फॉर द ईयर 2021-22 has been recently tabled by the Union Minister of Finance, which is Nirmala Sitharaman, before the Parliament. The central theme of this economic survey, this year's economic survey is, तो इसमें से क्या है? चार ऑप्शन हैं आपके पास, saving lives with livelihood amidst a once in a century crisis,
नेक्स्ट वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, नेक्स्ट वेल्थ क्रिएशन, या फोर्थ नंबर पे आपका अजाइल अप्रोच। तो आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन पे कि पार्लियामेंट को कितने पार्ट्स में बाइफर्केट किया गया है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो ये इसका ऑप्शन जो है इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे अजाइल अप्रोच को लिया गया है। अजाइल अप्रोच मीन्स इट्स अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू यूनसी ट्रायल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूनसी ट्रायल क्या है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। सबसे पहला कथन ये क्या कह रहा है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1966 एज अ सब्सिडियरी बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यस, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1966, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूनसी ट्रायल के बारे में आप सबको जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप गैदर करिए और उसे लिखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसके बारे में मैं डील करूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास, आने वाले क्लास में हम डील करेंगे। उससे पहले आप सबको जितने भी इंफॉर्मेशन पता है इससे रिलेटेड वो आप लिख दीजिए, क्योंकि जो आप लिख देते हैं वो हमेशा आपको याद हो जाता है और आने वाले एग्जाम्स के लिए जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसे लिखिए, यूनसी ट्रायल के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसे आप कलेक्ट करिए और लिख दीजिए। सेकेंड है हमारा ऑप्शन, यूएनसी ट्रायल मॉडल लॉ प्रोवाइड करता है हमें लीगल फ्रेमवर्क तो ताकि हम डील कर सके क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंस इश्यू को। तो अब सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है, तो यह ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। हाल फिलहाल में मैंने एक आर्टिकल रीड किया था द हिंदूज का, उसमें मैंने देखा कि कुछ एफर्ट्स डाला जा रहा है, सीजीआई कह रहे हैं कि हमें कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए हमारे कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसमें डील किया जाए कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है हमारे कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश का उच्च न्यायालय है, हायर कोर्ट्स हैं, जुडिशरी सिस्टम है, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या फ्लॉज हैं जिसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए ऐसा है कि एफर्ट्स ऑन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्ट इंफ्रा, इंफ्रा का मतलब बिल्कुल इंफ्रा रेड नहीं है गाइस, इंफ्रा का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कह रहे हैं ऐसे हमारे सीजीआई। तो सबसे पहले ये देखिए कि 26% ऑफ जो कोर्ट हैं कॉम्प्लेक्स वहाँ पे सेपरेट लेडीज टॉयलेट भी नहीं है, 16% ऐसे हैं जहाँ जेंट्स टॉयलेट भी नहीं है। उसके बाद आप ये स्थिति देखिए कि सिर्फ 32% ऐसे हैं जहाँ पे एक रिकॉर्ड रूम है, मतलब वी गाइज डोंट इवन हैव सेपरेट रिकॉर्ड रूम। उसके बाद 51% ऐसे कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे लाइब्रेरी है। आप ये समझ सकते हैं कि डे टू डे बेसिस में सेपरेट लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट, हमारे पास रिकॉर्ड रूम्स, ये सब एक बेसिक फीचर्स हैं जिसको अपडेट करें, इसको इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे कोर्ट्स के लिए। और स्थिति तो गंभीर तब हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास बस 5% ऐसे कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड है। तो गाइस इट रियली नीड्स कंसर्न, और जो भी कहा है हमारे सीजीआई ने, ये अच्छा आर्टिकल था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कोर्ट ये डिमांड कर रहे हैं सीजीआई कि हम इम्प्रूव करें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ये देखिए कि अभी पैंडेमिक के टाइम में हमको ये पता चला गया कि हमें अडॉप्ट करना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इससे पहले सब चीज़ें फिजिकल होती थी, तो नाउ वी आर गोइंग टू अडॉप्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ फिजिकल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड, हम अडॉप्ट करने वाले हैं। और इसमें आप ये देखिए अब हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, पैंडेमिक में हमने तो कह दिया कि हम जाके अडॉप्ट करने वाले हैं हाइब्रिड, अब 27% मैं लिख देती हूँ यहीं पे, 27% ऐसे कोर्ट्स रूम्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर प्लेस्ड है ऑन जज डाइस, मतलब आप समझ सकते हैं आउट ऑफ 100% वी आर हैविंग ओनली 27% ऑफ रूम्स, कोर्ट रूम्स विच हैव कंप्यूटर प्लेस्ड ऑन द जज डाइस विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज। तो आप कैसे हाइब्रिड सिस्टम ला सकते हैं जब हमारे पास उस टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है ही नहीं।
तो सबसे पहले हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें इम्प्रूवमेंट में हमें ये इम्प्रूव करना पड़ेगा कि डिजिटलाइजेशन को जितना हम प्रमोट कर रहे हैं उसे सबसे पहले हम ऐसी जगह पे प्रमोट करें जहाँ से हमें जस्टिस डिलीवर करना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने पीपल से। और उसके बाद देखिए लैक ऑफ ह्यूमन पावर, नेक्स्ट द पोस्ट ऑफ जुडिशरी जो है वो फिल नहीं हो पाती है जल्दी। फिल क्यों नहीं हो पाती है ये भी एक इशू है। तो ये देखिए जो कोलेजियम होता है इसके बारे में हम डील करेंगे आगे चल के, नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स में हम डील करने वाले हैं। तो ये जो कोलेजियम होता है ये कोलेजियम डिले करता है अपने रिकमेंडेशन देने में, तो इससे ये होता है कि द डिलेड रिकमेंडेशन गेट्स द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऑल्सो डिलेड अलॉन्ग विद इट। तो अब ये क्या है, डिले इन द रिक्रूटमेंट, आप रिकमेंडेशन में डिले करिए तो ये अपॉइंटमेंट में डिले करता है, ये रिक्रूटमेंट में डिले करता है। तो आप ये समझिए कि एक डिले इन रिकमेंडेशन इज गोइंग टू गेट द डिलेड इन अपॉइंटमेंट एज वेल एज द रिक्रूटमेंट मेड बाय द स्टेट कमीशंस। अब ये देखिए जो रिक्रूटमेंट होती है स्टेट कमीशंस के द्वारा, हाई कोर्ट्स के द्वारा अपने लोअर जुडिशरी के लिए, ये भी डिले है। कोलेजियम तो डिले कर ही रहा है, साथ ही साथ इन एडिशन टू द कोलेजियम ये होता है कि हमारे जो स्टेट कमीशंस या हाई कोर्ट्स हैं ये भी डिले करते हैं रिकमेंड करने के लिए फॉर लोअर जुडिशरी, एंड दिस इज ऑल्सो अ मेजर कॉज फॉर पुअर जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं रेशियो में। हमारा रेशियो भी इतना ज़्यादा अप्रिशिएबल है नहीं, जहाँ हम देखते हैं कि अदर कंट्रीज़ में ऐसा है कि दे आर अबाउट 50 to 70 जजेस हैं दे हु आर टेकिंग केयर ऑफ अराउंड 10 lakh पीपल, हमारे इंडिया में इट इज़ अबाउट 70 जजेस पर मिलियन हेड्स। तो इट्स नॉट रियली वेरी अप्रिशिएबल, एंड इट इज़ द ओनली सिंस द पैंडमिक जहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैव स्टार्टेड टू टेक प्लेस वर्चुअली टू। अर्लियर द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द जुडिशरी वॉज नॉट मच लार्जर। आप ये समझिए कि इससे पहले जो होता था कानून के समक्ष होता था, जब ये पैंडमिक आया है उसके बाद ही हमने ये वर्चुअल स्टार्ट किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब इससे पहले हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। अगर ये पैंडमिक आता नहीं तो हम डिजिटलाइजेशन को इस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते अपने जुडिशियल सिस्टम में। अब जब इतनी बातें हो चुकी हैं CJI के बारे में तो क्यों ना आगे थोड़ा डिटेल में थोड़ा देख लिया जाए, क्यों ना CJI के बारे में थोड़ा जान लिया जाए, कौन है ये जो इतना कह रहे हैं, कौन है वो आदमी, कौन है वो आदमी जो कह रहा है कि इम्प्रूव किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जान लेते हैं कौन है वो, आइए। CJI जिन्हें कहा जाता है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर है हमारे इंडियन फेडरल जुडिशियरी के। जब भी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाती है, जब प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट है और वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तब आ जाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आके पूरा भार संभाल लेते हैं और कहलाते हैं एक्टिंग चीफ, एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्या ऐसा पहले कभी हो चुका है? तो यस, 1969 में ऐसा हो चुका है जब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन डाइड इन द कोर्ट, तो देन वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी एक्टेड एज द प्रेसिडेंट। लेटर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला केम एंड ही एक्टेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। समझ आया आपको? जब आप एक्टिंग प्रेसिडेंट दिख रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कौन सा आर्टिकल डील करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। नेक्स्ट, आप देखिए जब जस्टिस एन.वी. रमन्ना अपॉइंट हुए थे तो ये प्रोसीजर ऐसा है कि जो आउटगोइंग जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो रेकमेंड करते हैं अपने सक्सेसर को, मतलब मैं जा रहा हूँ तो मैं अपना उत्तराधिकारी बता कर जाऊँ। पर कई जगह ऐसा हो जाता है कि एक कोलेजियम आ जाता है, कोलेजियम वो है कि जो सीनियर अदर जजेस रहेंगे वो बोलेंगे नो यू कांट टेक द डिसीजन सोलली, आपको हमसे कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब एन.वी. रमन्ना आए थे तो S.A. Bobde का ये सोलली इनका डिसीजन था विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ ए सीनियर मोस्ट जजेस, सीनियर जजेस कोलेजियम के रिकमेंडेशन के बिना इन्होंने अपना डिसीजन लेके एन.वी. रमन्ना को अपॉइंट किया था। ही मेड हिज डिसीजन on appointing successor by recommending the senior most judge justice N.V. Ramana to the highest judicial post of the country that has been appointed, kaun se number ke 48th chief justice of India, and he took his charge on April 2021 and has a term of 26 august 2022 tak ka inka ye tenure hai jo ki 8 saal ka hai।
देखिए जब ये इनकम्बेंट सीजीआई इनकम्बेंट सीजीआई मतलब वो होता है जो करंटली ऑफिशियल पोजीशन पे हैं, वो रिटायर करते हैं, तो ऑल सुप्रीम कोर्ट जजेस वो रिटायर करते हैं, एक बात याद रखिए, एट द एज ऑफ 65। हमारे कोर्ट में ये प्रोसेस है कि यहाँ पे सीनियोरिटी एज वाइज नहीं आती है, यहाँ पे सीनियोरिटी आती है आपका टेन्योर, आपने कितने साल सर्विस रेंडर की है। और मान लीजिए हम कोई ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ दो जजेस हैं और एक ही टेन्योर में उन्होंने सर्विस रेंडर की है, तो उस स्थिति में कुछ ऐसा होता है जो कि हो चुका है 2017 में। एक बार ऐसा हुआ कि हम ऐसे जज को अपॉइंट करेंगे जिसके सीनियोरिटी ईयर वाइज या एक्सपीरियंस वाइज ज़्यादा है, तो जस्टिस दीपक मिश्रा एंड जस्टिस चिलमेश्वर, सॉरी सर नाम नहीं बोल पाई सही से, जस्टिस दीपक मिश्रा एंड जस्टिस चिलमेश्वर, ये दोनों ने एक ही साथ एग्जैक्ट सेम डेट पे दे वेर अपॉइंटेड, दैट इज ऑन अक्टूबर 10, 2011। अब ये लोगों का टेन्योर तो एकदम सेम है, एज वाइज ये ज़्यादा है, ये 4 मंथ्स कम है, बट अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ऐसे में ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस इन द हाई कोर्ट किसका ज़्यादा है, क्या दीपक मिश्रा का एक्सपीरियंस ज़्यादा है या जस्टिस चिलमेश्वर का ज़्यादा है, तो और या तो किसको डायरेक्ट बार ने नॉमिनेट किया है, इस हिसाब से देखा जाएगा। तो यहाँ पर जस्टिस दीपक मिश्रा जो 4 साल यंगर है जस्टिस चिलमेश्वर से, इनको अपॉइंट किया एज द नेक्स्ट सीजीआई बिकॉज इनका वर्किंग एक्सपीरियंस जो था ये हाई कोर्ट में ज़्यादा था। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, डिस्पाइट बींग 4 मंथ्स यंगर जस्टिस मिश्रा वॉज अपॉइंटेड एज अ सी जी आई इन द अगस्त 2017। देखिए हमारा जो संविधान है इट डज नॉट हैव एनी प्रोविजन फॉर क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग द सी जी आई, लेकिन आर्टिकल 21 क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अलग से कोई प्रोविजन नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, बट ये कहता है, ये बस ये कहता है कि दिस सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज वेल एज वंस द कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सो हाई कोर्ट इज डन एज द प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं द सीजीआई विद द कंसल्टेशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जिसको वो जरूरी समझते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यस, अब यहां आ जाते हैं। प्रोसीजर लेड आउट इन द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। अब ये प्रोसेस पूरा इनिशिएट कहाँ से होता है, तो आप ये देखिए, समझिए मैं एक लॉ मिनिस्टर हूँ, अब यहाँ रिटायर होने वाले एक चीफ जस्टिस रिटायर होकर नए आने वाले हैं, तो लॉ मिनिस्टर रिक्वायर करता है रिकमेंडेशन जो जा रहे हैं उनका, जो जाने वाले सी जी आई हैं उनका रिकमेंडेशन चाहिए। फॉर इंस्टेंस आई एम द लॉ मिनिस्टर और जो आउट गोइंग सी जी आई हैं मुझे उनका रिकमेंडेशन चाहिए, और मैं इस रिकमेंडेशन को फर्दर प्राइम मिनिस्टर को आगे पास ऑन करूंगी, फिर वो कंसल्ट करेंगे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एंड देन ही विल पास इट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देन द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अपॉइंट द सीजेआई। ओके, तो ये पूरा एक सिनेरियो ऐसा है कि ये इनिशिएट हो गया, देखिए लॉ मिनिस्टर के द्वारा सीकिंग द रिकमेंडेशन, मैंने वही कहा आपसे अभी कि जो आउटगोइंग है जा रहे हैं वो रिकमेंड करेंगे एट द अप्रोप्रिएट टाइम विच इज नियर द डेट टू द अब के रिटायरमेंट के पहले पहले वो बता देंगे। लेकिन जब ये बता रहे हैं तो इन्हें इट वाज डिसाइडेड कि जो 3 जज केस है उसमें डिसाइड हुआ था कि प्लुरैलिटी ऑफ जजेस, मतलब एक जज सीजीआई अकेला डिसीजन नहीं लेगा, आप अकेले नहीं ले सकते सर, आपको हमसे कंसल्ट करना पड़ेगा। कंसल्ट मतलब कितनों से, क्या जितने जज हैं सबसे, नहीं। तो ऐसा है कि सी जी आई अलॉन्ग विथ 4 अदर जजेस इज गोइंग टू बेक अ कोलेजियम। अब कोलेजियम के बारे में हम डील कर लेते हैं। देखिए सर इतना आसान नहीं है सी जी आई को निकालना और नए सी जी आई को अकेले अपने इसमें से ले आना। व्हाट इज कोलेजियम, खास करके ऐसा कोई मेंशन तो है नहीं कि व्हाट इज कोलेजियम, नो देयर इज नो सच मेंशन, बट याद रखिए जहाँ भी बात आती है आपको अपॉइंट करना है, आपको ट्रांसफ़र करना है या आपको प्रमोट करना है, तो यहाँ पे आपके वर्क में आते हैं कोलेजियम। देयर इज़ नो सच मेंशन ऑफ द कोलेजियम हैज़ बीन मेड आइदर इन द ओरिजिनल, ना ओरिजिनल में है
ऑफ इंडिया और इन सक्सेसिव अमेंडमेंट्स, ना ही कोई अमेंडमेंट्स ऐसा है जो ये से लेकर आए, बट ये एक सिस्टम है। आप देखते जाइए यहाँ पे ध्यान से, मैं जो कह रही हूँ आप इसको मुखस्त कर लेंगे, क्या है कोलाजियम, क्या है कोलाजियम, इतना कन्फ्यूज होना नहीं है। एक सिस्टम है, किस चीज़ का सिस्टम है, अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, प्रमोशन का सिस्टम है, एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये डिसाइड करता है, एंड इज कैरिड फॉरवर्ड बाय द फोरम कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस अलोंग विद फोर जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ आता है क्रक्स कि आ गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने के साथ, अपनी सेना के साथ, और सेना में कितने लोग हैं, फोर ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई होप मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब तो आपको समझ आ गया होगा सी जी आई एट द एज ऑफ 65 में रिटायर होता है, ये भी आपको समझ आ गया कि यहाँ पे सीनियोरिटी का मतलब एज से बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर सीनियोरिटी का मतलब होता है जो एक्सपीरियंस इसका ज़्यादा है। और मान लीजिए ए और बी दो कंटेस्टेंट है सेम एज एक्सपीरियंस के साथ, जो उनका एक्सपीरियंस 10 ईयर सेम है, तब हम किसको रेकमेंड करेंगे, तब हम उस व्यक्ति को रेकमेंड करेंगे जो हाई कोर्ट में जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है या जिसको बार ने डायरेक्टली नॉमिनेट किया है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। ये जो सी जी आई कोलाजियम सिस्टम था ये इवॉल्व हुआ है 3 केसेस में, आप ये मुझे लिख कर बताइए कि वो कौन से 3 ईयर हैं जहाँ पर ये हुआ था, इवॉल्व जो हुआ है वो कौन से ईयर से हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इट वॉज डिसाइडेड द 3 जजेस केसेस दैट कंसल्टेशन ऑफ द प्लुरैलिटी ऑफ जज इज रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सी जी आई इन इंडिया। येस, प्लुरैलिटी ऑफ जज मतलब क्या, एक से ज़्यादा मतलब कितना कहा हमने प्लुरैलिटी में, सी जी आई प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। दिस मीन्स द ओनली ओपिनियन ऑफ द सी जी आई वुड नॉट बी द ओनली फैक्टर इन चूजिंग द नेक्स्ट सी जी आई। बहुत बड़ा लोचा है भैया, अकेले आप कर नहीं सकते, आप ऐसा कर ही नहीं सकते सर कि आप किसी को बुला लें बिना हमारी परमिशन के। लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा कब हुआ, जब जस्टिस एन वी रमना अपॉइंट हुए तो एस ए बॉबड़े जी ने अपने रिकमेंडेशन में उन्हें किया, तब वहाँ पे कोलेजियम का कोई रोल नहीं था। द सी जी आई मस्ट कंसल्ट द 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। नेक्स्ट, दिस टाइम हाउएवर अगेन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन चूजन अ नेक्स्ट सी जी आई बाय द रिटायरिंग। ये चलिए समझ गया। प्रोसीजर मैंने जैसे आपको पहले बताया, आप देखिए चीज़ें समझने की कोशिश करिए माय फ्रेंड्स, इट्स नॉट गोइंग टू गेट कॉम्प्लेक्स। आप ये मत सोचिए कि इतना स्लाइड पढ़ लिया हमने करंट अफेयर्स में ये क्या पढ़ रहा है, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, माइंड को खाली रखिए, मैं जो कह रही हूँ आप सुन लीजिए। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको रियलाइज होगा आपको कुछ तो समझ आ ही गया है। देखिए, आफ्टर रिसीविंग द रिकमेंडेशन ऑफ द फ्रॉम द सी जी आई, मैंने कहा यूनियन मिनिस्टर जी रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, किससे, हमें रिकमेंडेशन दो। ये किससे रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, जो जा रहे हैं, आप जाते जाते ये नेक काम करते जाइए कि हमें आने वाले का नाम बताते जाइए। अब इन्होंने रिकमेंडेशन दे दिए, अब इनका मिस्टर एक्स, इन्होंने एक नाम बता दिया, अब ये रिकमेंडेशन कहाँ जाने वाली है, तो नाउ ये जाने वाली है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। अब ये अकेले तो डिसीजन ले नहीं सकते, आपको पता है देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट इज हेड हु इज गोइंग टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 माय फ्रेंड्स। यहाँ पे पूरा प्रयोग तो यही लोग कर रहे हैं संविधान का, इंटरप्रिटेशन तो करता ही है, इस्तेमाल भी भर के यही कर रहा है। आप ये बता देंगे नाम, अगर आपको ऐसा फील हो कि ये जो रिकमेंडेशन आई है इट इज नॉट अप्रोप्रिएट या फिट नहीं है रिकमेंडेटेड वाला नाम, तो ये लोग फिर डिसाइड करेंगे, जो जजेस हैं वो डिसाइड करेंगे एंड देन दे विल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स। मूविंग ऑन, अभी जो नेक्स्ट आने वाले हैं एन वी रमना के बाद, उनका नाम शायद यू ललित है, आप चेक कर लीजिए एक बार, मे बी ही इज गोइंग टू बी द 49th सी जी आई। यू ललित का फुल फॉर्म लिख के बताइए, चलिए काम करिए थोड़ा। अब ये देखिए, द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द न्यू सी जी आई। अब हमारा काम यहाँ ख़त्म होता है, हमने न्यू सी जी आई को अपॉइंट कर लिया है, अब हमारे सी जी आई हैं एन वी रमना, और अब ये कह रहे हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये बोलने वाले व्यक्ति कौन है। और इसके साथ इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। आई होप यू गाइज लाइक द लेक्चर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू विजिट अचीवर्स ICS।
जहां हम चल रहे हैं एडियो की सीरीज के साथ। तो मैं अलुज़मा आलमगीर आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।